जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों एकदम अमेजिंग, एकदम कड़क टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों Vivo S12 और Vivo S12 Pro लॉन्च हो गए थे। कल ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था मैं, इंडियन अवेलेबिलिटी, प्राइजेस और अनबॉक्सिंग भी दिखाया था। नहीं देखे हो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोज का चेकआउट करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट बहुत ही अच्छा है, Vivo X80 Pro Plus का मॉनिटर कंफर्म हो गया। देख लो यार, बहुत सारे कोडिंग्स में पकड़ा गया है इसका नाम Vivo X80 Pro Plus। बहुत ही जल्द दोस्तों आपको मार्च के महीने में Vivo X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, फरवरी एंड तक नहीं तो मार्च के महीने में। कुछ और नए इन्फॉर्मेशन आने तो मैं ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट तो बहुत ही फिनोमिनल है, Samsung Galaxy S21 FE का हैंड्स ऑन वीडियो आ चुका है। देख लो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, Samsung Galaxy S21 FE ऐसा दिखाई देगा, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहचान भी नहीं पाओगे कि भाई कौन S21 है और कौन S21 FE है। आपको देखने में कैसा लग रहा है, अपने ओपिनियंस और रिएक्शंस कमेंट करके बताना। बहुत ही जल्दी यार 4 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा। प्राइसेस भी बता चुका हूँ, 60,000 रुपए का ग्लोबली लॉन्च होगा, इंडिया में 40,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा। नए नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। अब तो हैंडसम वीडियो भी दिखा दिया यार। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iQOO 9 सीरीज की तरफ से। iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स को iQOO खुद ऑफिशियली टीज करना चालू कर दिया। देख लो यार, आपको 2K LTPO वर्जन 2 का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो E5 AMOLED डिस्प्ले है। पहली बात तो यहाँ पर हम लोगों को LTPO का वर्जन 2 देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, 2K रेजोल्यूशन तो बता ही दिया हूं मैं, 50-50 2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 का सेल्फी, 4700mAh का बैटरी, 100 वॉट का चार्जर। और इसका जो केस होगा ना, iQOO 9 या फिर 9 प्रो का, दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन का केस JD.com पे लिस्ट हो गया है, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार। इससे पता चलता है कि कैमरा हाउसिंग वाकई में बहुत ही बड़ा होगा iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स का। कुछ और इन्फॉर्मेशन आने दो, ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo V23 सीरीज की तरफ से। Vivo V23 सीरीज के स्मार्टफोन्स 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है। जैसा कि मैं आपको कहा था, जनवरी के पहले वीक में ही लॉन्च होंगे, पहले वीक में ही लॉन्च हो जा रहे हैं। और ये Vivo S12 और Vivo S12 Pro के रीनेम वर्जन होंगे। प्रो में भी आपको मैं दिखा चुका हूं, बस यहां पर कुछ कुछ चेंजेस होंगे, मुझे यहां तक लगता है कुछ कुछ चेंजेस पक्का करेगा Vivo। जैसे कि Vivo V23 में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे देगा, लेकिन जो Vivo V23 Pro होगा आपको एग्जैक्टली वही स्पेसिफिकेशंस देगा जो आपको Vivo S12 Pro दे देता है, उसमें चेंजेस नहीं करेगा जहां तक मुझे पता चला है। कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा, वीडियो को जाके देखना। कल रात को Vivo S12 और Vivo S12 Pro लॉन्च हुए थे, टाइम स्टैम्प में आपको मैं दे दूंगा, टाइम स्टैम्प में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जाके वीडियोस को देखिएगा तो आपको प्राइस, अवेलेबिलिटी सब कुछ बताया हूं Vivo V23 के बारे में भी, तो उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, कल ही लॉन्च हुए हैं, कल रात को वीडियो बनाया था मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Oppo K9X की तरफ से। ये दोस्तों आज अनाउंस हो गया है चाइना में। जितने भी स्पेसिफिकेशंस है साइड में दिखा देता हूं, देख लो यार, स्पेक्स तो बहुत अच्छे दे रहा है, बस प्राइसिंग Oppo सही रख दे। अगर इसका प्राइसिंग 15-16,000 रुपए के आसपास हो गया ना तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन मुझे पता है इसका प्राइस बहुत ही हाई फाई होगा, Oppo का तो यही स्टाइल है। अब देखते हैं 27 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है और 27 तारीख को प्राइसेस पता चल जाएंगे और वीडियो भी मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। वैसे आपको स्पेक्स कैसे लग रहे हैं? चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Tecno Powa 3 की तरफ से। Tecno Powa 3 आपको फरवरी के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, अफ्रीकन मार्केट्स में लॉन्च होगा और कमाल के आपको स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन आने दो Tecno Powa 3 के रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Huawei P50 Pocket की तरफ से। Huawei का पहला फ्लिपेबल स्मार्टफोन आज लॉन्च हो गया चाइना में, और क्या स्पेक्स देता है यार, बिल्कुल भी अच्छे स्पेक्स नहीं देता है। और जानते हो 888 के प्रोसेसर के साथ आता है, लेकिन 4G फ्लिपेबल स्मार्टफोन है, 888 को जानबूझ के 4G बना के लॉन्च किया है। पता नहीं Huawei अपने सारे स्मार्टफोन्स को 4G बना के लॉन्च कर रहा है, अब ये ऐसा किस लिए कर रहा है पता नहीं, लेकिन ये 4G फ्लिपेबल स्मार्टफोन है। 1,06,000 रुपए से शुरू होता है और जाता है 1,29,000 रुपए तक, भाई बहुत प्राइस हो गया। इससे अच्छे स्पेक्स तो हम लोगों को Samsung Galaxy Z Flip 3 दे देता है, हर मामले में इससे आगे है। पता नहीं क्या सोच के हुआ में प्राइस रखा है, आपके क्या ओपिनियंस है इस स्मार्टफोन को लेकर कमेंट करके बताना, और जितने स्पेक्स हैं आपको साइड में तो दिखा दिया हूं यार। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 Pro की तरफ से। Xiaomi 12 Pro के पूरे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, देख लो यार, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक डिस्प्ले स्पेक्स के साथ आएगा और ये दोस्तों बहुत सारे अवार्ड्स भी विन करेगा।
विन कर चुका होगा। और इसका लाइव इमेज भी आ चुका है, देख लो Xiaomi 12 Pro का क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। सुन के और देख के दिल को ठंडक मिल गई। और Xiaomi 12 Pro का बॉक्स का भी लाइव इमेज आ गया है, मिठाई के डब्बे की तरह रहेगा एकदम पतला सा, जहां पर हम लोगों को चार्जर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने इन्फॉर्मेशन थे Xiaomi 12 Pro की तरफ से आपको सब कुछ बता दिया हूं। अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Infinix Hot 12 Play की तरफ से। आज ये दोस्तों Geekbench पे लिस्ट हो गया है। Unisoc T700 के प्रोसेसर के साथ है, 4GB RAM है, Android 11 है, और यहाँ पर आपको 6.82 इंच का HD प्लस IPS LCD पैनल मिलेगा। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 12+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी, 6000 mAh का बैटरी, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 18W का चार्जर भी मिल जाएगा, और Android 11 के साथ आएगा। बहुत ही जल्द दोस्तों ये लॉन्च हो जाएगा जनवरी के मंथ में। कुछ नए इन्फॉर्मेशन आने दो, अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुन लोगे ना यार, आपका दिमाग फिर से घूमने लगेगा, भाई ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको करीबन एक हफ्ते पहले बताया था ना कि Realme GT 2 सीरीज के स्मार्टफोन्स के मास्टर एडिशंस भी आएंगे, लेकिन पहले Realme GT 2 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे, देन उसके बाद ही मास्टर एडिशंस आएंगे। Realme GT 2 मास्टर एडिशन, Realme GT 2 प्रो मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑनलिक्स दोस्तों, कल ऑनलिक्स से बहुत सारे लोग पूछे कि जो ऑफिशियल लुक आया है Realme GT 2 Pro का, वो तो आपके रेंडर्स से मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि आप गलत रेंडर्स क्रिएट किए हो। वो खुद बोले कि भाई मेरे रेंडर्स बिल्कुल सही है, आप स्मार्टफोन को गलत समझ रहे हो। वो जो स्मार्टफोन है ना जिसके हम लोग इमेजेस देखे हैं, वो शायद Realme GT 2 Pro का मास्टर एडिशन है, या फिर Realme GT 2 का मास्टर एडिशन है। वो मास्टर एडिशन है, वो वैनिला वेरिएंट्स नहीं है, वो नॉर्मल वेरिएंट्स नहीं है, Realme GT 2, Realme GT 2 Pro नहीं है, वो मास्टर एडिशन सीरीज का कोई स्मार्टफोन है, प्रॉपरली Realme GT 2 Pro ही होगा वो। तो वो खुद बोले जब ओरिजिनल स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे तो मेरे रेंडर्स वाले ही आएंगे। तो उनके रेंडर्स एग्जैक्टली सही है, वो गलत नहीं है, आपको Realme GT 2 Pro वैसे ही दिखाई देगा जैसे वो क्रिएट किए हैं, बस वो मास्टर एडिशंस हैं। मास्टर एडिशंस अलग दिखाई देंगे, नॉर्मल एडिशंस अलग दिखाई देंगे। कन्फ्यूज हो गया यार मैं तो। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, मैं बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाया हूँ। समझ गए होंगे तो कमेंट करके बताना कि हाँ सुफियान भाई मैं समझ गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुन लोगे ना यार, आपका एकदम होश उड़ जाएगा, आप भी बोलोगे भाई क्या टेक्नोलॉजी है। और अच्छा लगता है यार जब टेक्नोलॉजी नए नए लेवल पे आगे बढ़ता है और हम लोगों को ऐसे ऐसे नए नए चीज़ों को दिखाता है तो देख के दिल खुश हो जाता है। देखो यार, जब हम लोग AR ग्लासेस पहनते हैं, AR हेडसेट्स पहनते हैं, तो उनके खुद के मैकेनिज्म्स होते हैं, लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों Mojo Vision कंपनी एक कंपनी है जो दोस्तों AR लेंसेस क्रिएट कर दिया है, AR कॉन्टैक्ट लेंसेस, उसको आप आंख में पहन सकते हो और आपको वैसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप AR हेडसेट्स को पहनते थे। सोच सकते हो यार कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है। अभी प्रोटोटाइप्स क्रिएट किया है वो, और बहुत ही जल्द हम लोगों को कमर्शियली अवेलेबल होते हुए दिखाई देंगे। यार AR लेंसेस को आंख में पहन सकते हैं, आप पहनोगे अगर आपको मौका मिलेगा तो, कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Motorola की तरफ से। Motorola दोस्तों ऑफिशियल डिवाइसेस का लिस्ट बाहर निकाल दिया है कि भाई कौन कौन से Motorola डिवाइसेस को Android 12 का अपडेट मिलेगा। फरवरी से मिलना चालू हो जाएगा ग्लोबली भी और इंडिया में भी। अगर आप Motorola के स्मार्टफोन्स को यूज करते हो तो बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिलेगा Android 12 का। लेकिन अपडेट करने से पहले एक बार रिव्यूज चेक कर लेना, उसके बाद अपडेट करना, मैं हमेशा आपको ये वार्निंग देता हूं। तो अच्छा काम कर रहा है Motorola कि अपने स्मार्टफोन्स में Android 12 का अपडेट दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus 10 Pro की तरफ से। OnePlus 10 Pro में भी आपको वैसे ही डिस्प्ले स्पेक्स देखने को मिलेंगे जो आपको iQOO 9 Pro प्रोवाइड कर देगा। कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा और LTPO वर्जन 2 का AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। E5 AMOLED डिस्प्ले होगा, क्वाड HD प्लस का रेजोल्यूशन देगा, 120Hz रिफ्रेश रेट, छोटा सा पंच होल, और कर्व तो बता ही दिया हूं आपको। तो नए नए इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं तो सोचा कि आपको बता दूं मैं। तो आपको स्पेक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। स्पेक्स तो यार एकदम अमेजिंग है, वर्जन 2 का LTPO AMOLED डिस्प्ले, वाह। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुनोगे तो आप सैड भी हो सकते हो, खुश भी हो सकते हो। देखो यार, अगले साल के जनवरी से Vivo अपने Y सीरीज के स्मार्टफोन्स को बंद कर देगा बनाना, उसको इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा। इंडिया में अब से आपको T सीरीज के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Vivo के T सीरीज के स्मार्टफोन्स जो Y सीरीज को रिप्लेस कर देंगे। मैं आपको करीबन 2 महीने पहले बताया क्या था, Vivo T1 और Vivo T1X, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे Vivo के T सीरीज के पहले 2 स्मार्टफोन्स। वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो। वो दोनों स्मार्टफोन्स जनवरी के आसपास लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में, और अब से आपको इंडिया में Y सीरीज के स्मार्टफोन्स नहीं दिखाई देंगे, T सीरीज के स्मार्टफोन्स दिखाई देंगे। तो खुश हो जाओ यार, आपको नए स्मार्टफोन्स नए तरीके के स्पेक्स देंगे और नए प्राइस रेंज में लॉन्च होंगे। हाँ, वो सारे प्राइस गैप्स को कंप्लीट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 40 नहीं, 10, 20, 30, उससे ज्यादा नहीं।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट एकदम एक्सक्लूसिव है, Xiaomi 12 का दोस्तों पोस्टर आ चुका है देख लो, जहां पर आपको पूरे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और ऑफिशियल प्राइसेस दिखाई देंगे। जनरली हम लोगों को ये लॉन्च के दिन मिलता है, लेकिन मेरे को पहले मिल गया तो सोचा कि आपको दिखा देता हूं। तो जितने ऑफिशियल स्पेक्स हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो और मैं प्राइसेस बता देता हूं। 8128 43,700 रुपए का, 43,700 रुपीस। 8256 47,200 रुपए का, 47,200 रुपीस। 12256 51,900 रुपए का, 51,900 रुपीस। तो आपको प्राइसेस और स्पेसिफिकेशंस कैसे लग रहे हैं अपने ओपिनियंस जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थे यार, लाइक कर दो जल्दी से अपने रिएक्शंस कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 प्लस की तरफ से। इन दोनों स्मार्टफोन्स की आपको पिंक गोल्ड कलर भी देखने को मिलेंगे। लेट्स गो डिटेल, इसके रेंडर्स क्रिएट कर दिए हैं, इनके रेंडर्स क्रिएट कर दिए हैं, देख लो यार आपको ऐसा दिखाई देगा कलर वेरियंट्स दोनों स्मार्टफोन्स में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी प्यारा लुक है, प्यारा कलर है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुन लोगे ना यार, आप भी बोलोगे काश ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा ना यार, बहुत मजा जाएगा। Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज, ये दोनों स्मार्टफोन्स 6 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में। दोनों स्मार्टफोन सेम है, बस जो हाइपर चार्ज है आपको 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जर दे देगा, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों जो Xiaomi 11i हाइपर चार्ज है ना, वो शायद Xiaomi 11T Pro होगा। सही सुन रहे हो, Xiaomi 11T Pro इंडिया में Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के नाम से लॉन्च होगा। अब ये नए रूमर्स है भाई, अगर ऐसा हो गया ना यार मजा आ जाएगा। रूमर्स है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मुझे जो पता चला मैं आपको बता दिया, अब कितनी सच्चाई है वो तो 6 तारीख को ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो अपकमिंग फ्लैगशिप प्रोसेसर है सैमसंग एक्सिनोस 2200, जो AMD के GPU के साथ आएगा, कहा जा रहा है कि दोस्तों वो 8th Gen 1 और डेमेंसिटी 9000 से भी ज्यादा स्टेबल होगा और कम हीट करेगा और ज्यादा पावरफुल होगा। अगर 8th Gen 1 से भी पावरफुल हो गया तो भाई मजा आ जाएगा। और मेरे को बस इतना चाहिए कि भाई वो गर्म ना हो, ठंडा रहे। और ऐसा सब बोल रहे हैं कि सब लोग कि इसको सैमसंग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है, और बाकी जो दो फ्लैगशिप प्रोसेसर थे ना 8th Gen 1 और 9000, उनसे ज़्यादा आपको अच्छे परफॉर्मेंस और ज़्यादा आपको अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। सैमसंग भी फुल फॉर्म में है, देखते हैं कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। और एक्सिनोस 2100 जो प्रीवियस जनरेशन का सैमसंग का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, वो भी बहुत ही मस्त है यार। 888 के आसपास का परफॉर्मेंस देता था और वो भी बहुत ही कम हीट करता था। 888 के कंपैरिजन में तो कम हीट करता था वो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच की तरफ से। आज ये लॉन्च हो गया है, 4,500 रुपए इसका प्राइस है, 27 तारीख से सेल पे जाएगा। मत परचेस करना, अच्छे स्पेक्स नहीं देता है। अब हुआवे के स्मार्ट वॉचेस को जाके परचेस कर लो, रियलमी के अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉचेस हैं और डीजो के भी हैं, उनके तरफ चले जाओ, इसके तरफ मत जाना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आपका होश उड़ा सकता है। हुआवे वॉच डी आज लॉन्च हो गया चाइना में, जिसका प्राइस है 35,200 रुपए। वॉच का प्राइस है 35,200 रुपए। वैसे तो मैं आपको बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि इसका बहुत ही हाई फाई प्राइस होगा, इतना होगा ये नहीं मालूम था। वैसे आपको बहुत ही इनोवेटिव स्पेसिफिकेशंस भी दे देता है, जैसे कि अपने हाथ से जो स्ट्रैप है वो आपको एकदम कस के पकड़ लेगा और आपकी बीपी को नाप लेगा। जैसे कि हम लोग हाथ में बीपी नापाते हैं ना, वो आपके इसको कलाई को पकड़ के ही बीपी नाप लेगा वो। और बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको स्पेसिफिकेशंस दे देता है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ये इंडिया में नहीं आएगा, ग्लोबली भी नहीं जाएगा शायद, ये केवल चाइना एक्सक्लूसिव बन के ही रहेगा। 35,200 रुपए भाई, ग्लोबली जाएगा तो 40,000 रुपए तक भाग जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है लेनोवो की तरफ से। लेनोवो दोस्तों गेमिंग टैबलेट को लॉन्च करने वाला चाइना में, जिसका नाम होगा लेनोवो लीजन Y700 गेमिंग टैबलेट। ये दोस्तों आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि स्नैपड्रैगन 888, 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz का TSR, DCI-P3 कलर गैमेट, एमोलेड पैनल और बहुत सारे आपको भर भर के स्पेक्स मिलेंगे। और ये बहुत ही जल्दी अनवील होगा, जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। और आई होप सो कि लेनोवो इसको ग्लोबली और इंडिया में भी लेके आए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, मैं आपको एक हफ्ते पहले ही बोला था कि टेक्नो कैमन 18 इंडिया में दिसंबर एंड तक लॉन्च हो जाएगा, आज लॉन्च हो गया। टेक्नो चुपके चुपके इसको लॉन्च किया है। 4+128GB वाले वेरिएंट का प्राइस है 15,000 रुपए। बिल्कुल भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, इसको परचेस मत करना, बिल्कुल भी अच्छे स्पेक्स आपको नहीं देता है, दूर रहना इस स्मार्टफोन से। 15,000 रुपए में आपको रेडमी नोट 11T मिल जाता है, उसको जाके परचेस करना, आपको लाख अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे देता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 Pro की तरफ से। लेट्स गो डिटेल, Xiaomi 12 Pro के रेंडर्स क्रिएट कर दिए हैं, देख लो यार आपको Xiaomi 12 Pro ऐसा दिखाई देगा। जल्दी जल्दी मैं पार कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ तो आपको दिखा ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख के बताना कि आपको Xiaomi 12 Pro का डिजाइन कैसा लग रहा है। क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आएगा यार, आज तो लाइव इमेज भी आपको मैं दिखाया था, तो अपने ओपिनियंस बताना कि आपको कैसे लग रहा है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही फिनोमिनल है। LG दोस्तों साउथ कोरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके कोई इवेंट हो रहा था, वहां पर वो 6G नेटवर्क को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। सही सुन रहे हो, 5G नेटवर्क अभी इंडिया में आया नहीं है। 6G के ऊपर सभी लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन LG करके दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, और 1 TB का आप लोगों को स्पीड देखने को मिला है, 1 TBPS का। भाई इतना ज्यादा स्पीड, और वो बताया कि अभी इनिशियल फेसेस पे है, हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे, तो बहुत ही जल्द हम लोगों को 6G भी देखने को मिलेगा। बस जल्दी से 5G नेटवर्क इंडिया में आ जाए, हम लोग 5G से ही खुश हो जाएंगे। लेकिन 6G की बातें हो रही हैं यार, और इंडिया में हम लोगों को सब लोग बोले भी हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोले भी हैं कि हम लोग 6G और जल्दी लेके आएंगे। 5G तो आएगा ही, लेकिन 6G और जल्दी लेके आएंगे 5G के कंपैरिजन में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है WhatsApp की तरफ से। WhatsApp दोस्तों Android और iOS डिवाइसेस पे बीटा टेस्टिंग कर रहा है, जहां पर अब से आप दोस्तों जो इमोजीज भेजोगे ना वो एनिमेटेड रहेंगे। अभी ये बीटा टेस्टिंग में है, जल्द ही स्टेबल वर्जन पे रोल आउट होगा। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, एम करते हैं 90 लाइक का, कर दो यार जल्दी से। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।